हे hey दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो के अंदर हम सभी बात करेंगे QQ सुपर थंडर फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, कि आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। साथ ही जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया, वैसे ये इतना वाइड वैरायटी के अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, पर जिन्होंने भी इसे यूज़ किया है तो उनका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें 32 बिट का आम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वोल्टेज हमें देखने को मिलता है 3.6 वोल्ट से लेकर के 8.4 वोल्ट का। करंट हमें देखने को मिलता है 60 मिली एम्पेयर का। और आउटपुट रेट हमें देखने को मिलता है 360 हर्ट्ज का। इसका वेट हमें 13 ग्राम देखने को मिलता है, KK प्रो फ्लाइट कंट्रोलर से जस्ट 1 ग्राम ज़्यादा। अब बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसके अंदर हमें गायरोस्कोप और एक्सीलरोमीटर सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि सेल्फ लेवलिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट होता है। साथ ही साथ हम बात करें तो इसके अंदर एस बस, DSM2 और DSMX सैटेलाइट रिसीवर का सपोर्ट भी मिल जाता है, और नॉर्मल स्टैंडर्ड रिसीवर का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इससे आप कौन कौन से मॉडल्स बना सकते हैं, तो इसकी मदद से आप बना सकते हैं अपने क्वाडकॉप्टर्स और हेक्साकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर में प्लस मोड और एक्स मोड दोनों आप बना सकते हैं, साथ ही साथ हेक्साकॉप्टर में प्लस मोड और एक्स मोड आप दोनों बना सकते हैं। भाई जब बात करते हैं इसकी वायरिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी जो है M1, M2, M3, M4, M5, M6। तो यहाँ पे हमें ESC की वायर को कनेक्ट करना होता है जो कि हमारी मोटर से आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक एस बस का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो एस बस के जब भी आप एस बस रिसीवर का इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पे एस बस पोर्ट से अटैच करें। यदि आप स्टैंडर्ड रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको थ्रोटल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे THR लिखा हुआ है। तो आपको थ्रोटल की सारी केबल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है अपने चैनल नंबर 3 से, या फिर जो भी मोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ट्रांसमीटर के। और बात करते हैं यहाँ पे एरोलॉन, एलिवेटर और रडर के बारे में, तो एरोलॉन, एलिवेटर और रडर एक ही स्विच के अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं। हालांकि तीनों की वायर अलग अलग होती है, तो आपको हर एक सिंगल वायर को अपने स्टैंडर्ड रिसीवर के साथ एरोलॉन, एलिवेटर और रडर की काउंटिंग के हिसाब से कनेक्ट कर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे LED और फ्लाइट डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक LED मिल जाती है, साथ ही साथ हमारा एक फ्लाइट डायरेक्शन का एरो भी मिल जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा फ्लाइट का फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है। साथ ही साथ आपको DSM2 और DSMX सैटेलाइट का भी देखने को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। बात करें तो आपको सेट के अंदर कैलिब्रेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। गेन से हम आप अपनी सेंसिटिविटी ऑफ फ्लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें रिसीवर टाइप की और मिक्स्ड टाइप की, तो यहाँ पे आपको वो सारे स्विचेस मिल जाते हैं सेट करने के लिए रिसीवर टाइप या मिक्स्ड टाइप की। और यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट केवल अपना एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड रिसीवर, तो आपको ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे चेंजेस ये हो जाते हैं कि आपके थोड़ा जो रिसीवर है उनका रिवर्स का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मिक्सिंग को चेंज कर देते हैं, एक को ऑन या एक को ऑफ कर देते हैं, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी फ्लाइट रिसीवर खरीदते हैं तो वो जनरली स्टैंडर्ड रिसीवर तो होता ही है, साथ ही साथ SBUS रिसीवर को सपोर्ट करता है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप SBUS का इस्तेमाल ना करके स्टैंडर्ड रिसीवर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको यहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाएगी और काफ़ी आप ये सब झंझटों में नहीं पड़ने वाले, बहुत सिंपल सा फिर आपके लिए हो जाएगा इसे इस्तेमाल करना। बात करें यदि लोगों के यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, तो इसके अंदर लोगों को काफ़ी अच्छी स्टेबल फ्लाइट देखने को मिल चुकी है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। पर इसका कोई वाइड वैरायटी नहीं है गाइस, बात करें तो काफ़ी ये ब्रॉड वे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इससे आप केवल क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर ही बना सकते हैं। बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर 3000 रुपीज़ से लेकर के 4000 रुपीज़ तक में मिल रहा है। हालांकि काफ़ी वेबसाइट्स में ये मिल भी नहीं रहा, अमेज़ॉन के अंदर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे एक लिंक मिली थी जहाँ पे ये मिल रहा है। बाकी मुझे अदर किसी वेबसाइट के अंदर अभी भी ये फ्लाइट कंट्रोलर देखने को नहीं मिला। पहले के टाइम पे ये फ्लाइट कंट्रोलर काफ़ी कॉमन मिल जाता था, पर अभी इसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।